नमस्कार, देश विदेश खबर सह मु संतोष। खबर पूर्वरु वर्तमान रो हेडलाइन। हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो, इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल, बी श्योर इट्स प्योर। भारत में स्पुटनिक वी टीका उत्पादन पाई सेरम इंस्टीट्यूट को अनुमति देला डीसीजीआई। परीक्षण एवं विश्लेषण पाई तैयारी हेबा टीका। देश में व्यापक टीकाकरण पाई चली प्रक्रिया। सीएसआईआर सोसाइटी बैठक में वैज्ञानिकों को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री। कहिले वर्षक प्रस्तुत होई मेड इन इंडिया वैक्सीन। कोरोना महामारी शताब्दी बड़ चैलेंज, देश में एवं कमुची संक्रमण। सफल होई केंद्र सरकार महामारी मुकाबलार मास्टर प्लान। सुधुरी कोविड स्थिति, कार्य को फेरुछंती प्रवासी श्रमिक। विभिन्न राज्य में आरंभ होई अनलॉक प्रक्रिया। दिल्ली को फेरुछंती प्रवासी श्रमिक। देश में कमुची कोरोना संक्रमण। पिक तुलन में संक्रमण मामलें 68% ह्रास रेकर्ड। देश में 377 जिले में केस पॉजिटिव रेट 5% रु कम रेकर्ड। 93% डेला आरोग्य हार। भारत में टीकाकरण को नहीं दमदार खबर। टीका ने भारत सबुठ वयस्क महिला। जम्मू काश्मीर रेहमती बगम सृष्टि कले उदाहरण। पूर्व टीका नहीं 118 वर्षीय दुईज भारतीय। युक्त दुई परीक्षा बातिल। मुख्यमंत्री कहिले विशेषज्ञों परामर्श पर मूल्यांकन नहीं हेब निष्पत्ति। सीबीएसई परीक्षा बातिल पर केन्द्र सरकार अनुसरण। मोदी देते छात्र छात्री स्वास्थ्य और भविष्य पर गुरुत्व। पुणि रेपो रेट अपरिमित रखिला आरबीआई 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। प्रभावित होबनी ईएमआई। रिजर्व बैंक गवर्नर घोषणा 2021-22 आर्थिक वर्ष 9.5% हो पारे जीडीपी वृद्धि। एथर संपूर्ण खबर। सेरम इंस्टीट्यूट को स्पुटनिक भी उत्पादन पाई अनुमति। सेरम को स्पुटनिक भी उत्पादन पाई डीसीजीआई अनुमति प्रदान करिछि। यहपर सेरम इंस्टीट्यूट निजर हड़फसर स्थित पंजीकृत फैसिलिटी रे परीक्षण एवं विश्लेषण पाई स्पुटनिक भी रो उत्पादन करिपर। सीएसआईआर सोसाइटी बैठक में वैज्ञानिकों को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री मोदी। मोदी कहते वर्षक प्रस्तुत हो मेड इन इंडिया वैक्सीन। वर्तमान आम वैज्ञानिक अन्य देशर वैज्ञानिकों सह कांधरे कांध मिसाई काम करते। बेले भी मानव समाज उपरे कौनसी भी बड़ संकट आसी विज्ञान भविष्य पर रास्ता प्रस्तुत कर। वैज्ञानिक मैंने देश को आत्मनिर्भरशील कर। प्रधानमंत्री कहते कोरोना महामारी शताब्दी सबुठारु बड़ चैलेंज। देश में एबे कोरोना संक्रमण ह्रास पाउछि। हेले एबे भी आमर संकल्प आत्मनिर्भर भारत एवं सशक्त भारत। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बा सीएसआईआर सोसाइटी बैठक में अध्यक्षता करी पहुंचती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में सामिल होते। प्रत्येक वर्ष बैठक में अनुष्ठित होता है बैठक। यह वैज्ञानिक उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी सामिल होते। इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना, और यही तो साइंस का मूलभूत स्वभाव है, बेसिक नेचर है। सफल होइछि केंद्र सरकार का महामारी मुकाबिलार मास्टर प्लान। देश में सुधरबारे लागिछि कोविड स्थिति। विभिन्न राज्य में आरंभ होइछि अनलॉक प्रक्रिया। महामारी जोगु काम हरैथिबा प्रवासी श्रमिक पुणि फेरुछन्ति कर्मक्षेत्र को। श्रमिक माने कर्मक्षेत्र को फेरुथबार दृश्य आज देखबाक मिलछि राजधानी दिल्ली रे। सफल होइछि केंद्र सरकार को महामारी मुकाबिलार मास्टर प्लान। देश रे सुधरिबारे लागिछि कोविड स्थिति। विभिन्न राज्य रे आरंभ होइछि अनलॉक प्रक्रिया। महामारी जोगु काम हराइतिबा प्रवासी श्रमिक
पुणी फेरुछंती कर्म क्षेत्र को राजधानी दिल्ली रे देखिबा को मिलिछि एपर एक आशाजनक दृश्य देशरे महामारी रो द्वितीय लहर एक प्रकार अचल करि देतिला मनिषर जीवन यात्रा लॉकडाउन जोगु बंद रहितिला ऑफिस फैक्ट्री कलकारखाना लक्ष लक्ष दिन मजुरिया श्रमिक हराइतिले निजर जीवन जीविका तेबे महामारी मुकाबिला पई केंद्र सरकार को समयचित पदक्षेप एवं योजना जोगु एबे कमिछि देशरे मृत्यु और संक्रमण हार परिस्थिति ए जाय संपूर्ण नियंत्रण को आसी नथिले मध्य केतक राज्य रे आखि दृश्य भाव रे संक्रमण अवस्था रे क्रमागत सुधार आसीबारे लागिछि एहा को आखि आगरे रखी जीवन जीविकार सुरक्षा दृष्टि रु संप्रक्त राज्य गुड़ी करे आरंभ होईछि अनलॉक प्रक्रिया श्रमिक मानक पई पूर्ण काम करिवार सुजोग सृष्टि होईछि लॉकडाउन वेले जेउ माने काम हराई निज राज्य को फेरि जाइतिले पूर्ण सेमाने बहु संख्या रे काम को फेरिवार देखा जाउछि एपरि दृश्य एबे देखिबा को मिलिछि देशर राजधानी शहर दिल्ली रे जेउटे दिने अम्लजान और डाक्टरखाना रे बेड अभाव रु सृष्टि होईतिला भय आउ आतंक रो वातावरण मात्र केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष तत्वावधान रे खूब शीघ्र नियंत्रण को आसीबारे लागिछि परिस्थिति एवं किछि दिन हेब सेटर अनलॉक प्रक्रिया आरंभ होईछि अनलॉक प्रक्रिया रो प्रथम पर्याय रे एबे दिल्ली रे विभिन्न शिल्प कारखाना सहित निर्माण काम आरंभ होईछि देशर विभिन्न राज्य रो जेउ प्रवासी श्रमिक माने सेठारे एई सब काम करथिले सेमाने एबे पूर्ण फेरिबारे लागिछन्ति कोरोना के वजह से चल गए थे, बंद हो गया था काम, इसीलिए चल गए थे। आए हैं काम, बोले हैं सब बोलो काम खुल गया इसीलिए आए हैं, काम करेंगे। घर पर बारिश हो रहा है, काम बंद हो रहा है, खाने उने के दिक्कत हो रहा है, इसीलिए चले आए हैं। अनेक दिन धरी काम हो रही आर्थिक समस्या दे गति करतिबा श्रमिक एवं सेमानकर परिवार एबे आशा रखिछंती आग को हुए तो परिस्थिति आउरी सुधरी जीव पुणी सेमानको मिलिबो रोजगार यहाँ वो कोरोना फैल रहा था दिल्ली में जान था इसलिए अपने गांव चले गए थे झांसी। हाँ अब टीवी में बता रहा है ना कि कोरोना कम हो चुका है इसलिए दहाड़ी मजदूरी करने आए जी। लॉकडाउन हो गया था इसलिए चले गए थे जी। अच्छा हाँ जी कोरोना फैल रहा था। हाँ जी कोरोना फैल रहा था, अब तो कोरोना कम भी हो गया, दिल्ली में लॉकडाउन खुल भी गया, काम चल भी रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह खुल गई है, ये मजदूर लोग हैं, हम भी हमें देखो काम मिलना चाहिए। एबे देशरी टीकाकरण चलितिबारु अनेक प्रवासी टीका नै सारितिबारु सेमाने निजकु सुरक्षित भाबी फेरिछंती कर्मक्षेत्रकु महामारी हटिबो सेमाने पूर्वपरि सबुदिनिया काम पाई परिबे बोली आशा रखिछंती। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर आगकु जारी रहिबो, समय एक छोट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक परे स्वागत। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। देशरे कमुछि कोरोनार द्वितीय लहर, लगातार भाबे दैनिक संक्रमण संख्यारे ह्रास घटुछि। गत 24 घंटे देशरे 1,32,000 नुआ केस चिन्हट होइछि। स्वास्थ्य मंत्रालयर रिपोर्ट अनुसार देशरे आरोग्य हार रे लगातार वृद्धि घटुछि। देशरे वर्तमान समयरे 93.1% आरोग्य हार होइथवा नै सूचना देइछन्ति स्वास्थ्य मंत्रालयर जुग्म सचिव लव अग्रवाल। यासह देशर वर्तमान 257 जिल्लारे 100 अधिक मामला चिन्हट होउछि। यासह देशर 377 जिल्लारे केस पॉजिटिव रेट 5% रु कम रहिछि। द्वितीय लहर पीक वाजलथवा मे 700 जदि तुलना करा जाय तेबे दैनिक संक्रमण मामलारे 68% ह्रास रेकर्ड करा जायछि। देशरे मे 7 तारिख सुधा सर्वाधिक 414,188 मामला चिन्हट होइथिला। एप्रिल 30 रु मे 6 मध्यरे देशर पॉजिटिव हार थिला 21.62%, जहां 28 मे रु जून 3 मध्यरे 7.27% तळकु खसि आसिछि। भारतरे टीकाकरणकु नै दमदार खबर। टीका नेले भारतर सबुठु वयस्का महिला जम्मु काश्मीरर रेहती बेगम सृष्टि कले उदाहरण। पूर्वरु टीका नेथिले 118 वर्षीय दुई जन भारतीय। भारतरे टीकाकरण को नै एक दमदार खबर। कोविड टीका नेले देशर सबुठारु वयस्का महिला, ए जाय बंचितिबा विश्वर सबुठु वयस्का महिला बोली दाबी। जम्मु काश्मीरर रेहती बेगम सृष्टि करिछंती उदाहरण। पूर्वरु टीका नेइथिले 118 वर्षीय दुई जन भारतीय।
कोरोना महामारी कबल रु सबुदिनिया रक्षा पाइबार उपाय हेउछि टीकाकरण। भारत में किछि मास धरी कोविड टीकाकरण अभियान चलितबा बेले चलित वर्ष डिसेंबर सुद्धा देशरे समस्ते टीका नै सारितिबे बोली लक्ष्य रखिछन्ति केन्द्र सरकार। एहारी भितरे अनेक लोक टीका को नै निज भितरे अनेक भूल धारणा मध्य पोषण करितिबार सामना को आसुछि। केवल गाँव में रोकवा निरक्षर लोक नुहति अनेक पाठुआ लोक टीकाकरण में सामिल होगा नहीं कुंठा मनोभाव प्रकाश कर आसरिकी टीकाकरण रक्षा पाइबा नई में डे पड़ खबर किद ते चर्चार विषय पलटिता एवं से ही टीकाकरण को नहीं सामना को आसी एक चर्चित खबर तेरे खबर टीका भय को नहीं नुहे बर टीका नेबार आग्रह को नहीं कोविड टीका नहीं समस्त विरल उदाहरण सृष्टि करिछंती जम्मू काश्मीर जने 124 वर्ष वयस्का महिला सूचना अनुसार दुई दिन तले टीका नहींचंती जम्मू काश्मीर रोथिबा 124 वर्षीय वृद्धा रेहती बेगम जी निज परिवार सहित रुहंती बारमूला जिलार वागोरा ब्लक सकुआरा गाँव एबे सही अंचल चली डोर टू डोर टीकाकरण अभियान। टीका दान में नियोजित स्थायी कर्मचारी माने घर को घर बुले टीका देउथिबा बेले 124 वर्ष वयस्का रेहती बेगम मध्य खूब आनंद नहीं प्रथम डोज कोविड टीका टीका नहीं से पूर्व भी खूब सुस्थ अच्छा देखु से किभली निज परिवार सहित खुशी मनरे कपसपुर माति बेस चर्चार विषय पलटि सोशल मीडिया रे। परिवारे थिबा राशन कार्ड रे वृद्धा बयस 124 वर्ष लेखा थी जम्मू काश्मीर सूचना और लोक संपर्क विभाग तरफ विश्वास करा तबे रेहती बेगम केवल भारत में नुहे बर ए जाए एत वर्ष धरी पंची रही विश्वर सबुठ अधिक बयसर महिला बोली अनुमान नहीं खुशी व्यक्त कर जड़े महिला स्वास्थ्य अधिकारी इशराकवारा में कल हम डोर टू डोर हमारी टीम गई थी वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है यहाँ पे पिछले एक दो हफ्ते से। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिनकी एज है 124 साल आई रिपीट इट्स नॉट ए जोक, इनको हमने कल वैक्सीनेट किया एंड शी इज़ क्वाइट हार्टी एंड हेल्दी। फिर भी हम आज फिर से अपनी मेडिकल टीम हम वहाँ भेज रहे हैं उसकी तबीयत देखने के लिए कि इज शी ओके और नॉट, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। पूर्वरु से ही जम्मू काश्मीर रे जने 118 वर्ष वयस्क वृद्ध एवं मध्य प्रदेश रो जने वृद्धा कोविड टीका नै चर्चार विषय पलटथिले जेउ मानकर रेकर्ड भांगी छंती रेहती बेगम। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। परवर्ती खबर कोरोना चलित वर्ष छड़े नब विश्वर 220 मिलियन अर्थात 22 कोटी लोकंकर जीविका ये तथ्य प्रकाश करिछि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ आकलन अनुसार 2021 वर्ष रे अंतत 22 कोटी लोके बेरोजगार रहिबे। मिलित जातिसंघर एई एजेंसी पूर्वानुमान करिछि जे महामारी जोगु श्रम बजार दुर्बल होइ पडितबारु ए परिस्थिति सामना करबाकु पडिबो। तबे आसंता वर्ष एथिरे किछटा उन्नति परिलक्षित हेबार संभावना रहिछि। 2022 रे एई संख्या कम होइ बेरोजगारक संख्या पहुँचब 20 कोटी 50 लक्ष बा 205 मिलियन। महामारी पूर्वरु अर्थात 2019 विश्व रे बेरोजगारी संख्या थिला 18 कोटी 70 लक्ष रु किछि अधिक। आईएलओ मॉडल अनुसार बेरोजगारी संख्या 2019 5.4% थिबा बेले महामारी काल रे 2 वर्ष वृद्धि पाई रहिछि 6.3%। मात्र एहाकु आगकु ह्रास पाई 5.7% रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आईएलओ रो आउ एक अनुमान गुरुत्वपूर्ण कथा मध्य आकलन करिछि जे आगकु बेरोजगारी अवस्था किछटा सुधुरिले मध्य महामारी जोगु विश्व श्रम बजार रे जो क्षति होइछि ता आसंता 2023 पर्यंत भरणा करिबो नाही। वर्ल्ड एम्पोर्स एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2021 रो रिपोर्ट रे एक कथा प्रकाश करिछि आईएलओ। खबर आगक जारी रहा वर्तमान समय एक कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक पर स्वागत नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। अमेरिकीय घरोई महाकाश प्रतिष्ठान स्पेस एक्स तरफ महाकाश रे थिबा आंतरजातिक महाकाश केन्द्र को पठा जाइछि ड्रैगन कार्गो कैप्सूल। फाल्कन राकेट द्वारा महाकाश को यात्रा करथिबा एक कार्गो कैप्सूल टिकु केनेडी महाकाश केन्द्र उत्क्षेपण करा जाइछि।
तबे एथिरे परीक्षामूलक भाबरे जेउ सबु सामग्री महाकाश को पठा जायछि ताहा जानले आपनकु आश्चर्य लागि पारे। एथिरे पठा जायछि हजार हजार संख्यार छोटो सामुद्रिक जीव ता सहित मनुष्य व्यवहार करथुबा एक विशेष धरणर टूथपेस्ट एवं किछि सोलार प्यानेल या छडा लेम्बू पियाज आभाकोडा छोटो चेरी टमाटो मध्य पठा जायछि। आंतर्जातिक महाकाश केन्द्र रहुथुबा महाकाशचारीक पाई पठा जायछि मोट 3300 किलोग्राम रो वैज्ञानिक गवेषणामूलक सामग्री एवं एहाकु नै महाकाश को यात्रा करिछि स्पेस एक्स ड्रैगन। जून 4 तारीख रे एहा प्रेरण कर जायतिला एवं 5 तारीख रे एहा महाकाश रे पहुँचिबो। केन्द्र सरकारकर मेक इन इंडिया अभियान भारत को विभिन्न क्षेत्र रे आत्मनिर्भरशील हेबाकु बाट कढ़ाई नहींता बेले सेथिरु बाद पड़ी जाइनी देशर प्रतिरक्षा क्षेत्र। जून 4 तारीख दिन प्रतिरक्षा मंत्रालय तरफ मेक इन इंडिया अभियान अधीन देश भितर 6 पारंपरिक सबमेराइन तैयारी मंजूरी मिली। केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बसी डिफेन्स आक्विजिशन काउंसिल बैठक में 43,000 कोटी टंकार 6 सबमेराइन तैयारी प्रस्ताव बा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को मंजूरी प्रदान कर मंत्रालय V75-1 प्रकल्प आधार रे यह निर्माण करा जिवो। एही सबमेराइन गुड़ी को स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप मोड रे निर्माण करा जायतबारु एही प्रक्रिया रे सामरिक विभाग रो कोनोसी हार्डवेयर बा जांत्रिक सामग्री निर्माण हेबा यह देशर प्रथम बोली सरकारी सूत्ररु सणा पडिछि। एही प्रकार मंजूरी मिलबा द्वारा आगामी दिन रे देश भितर सबमेराइन निर्माण काम रो लक्ष्य पूर्ण हेबो बोली आशा करा जाउछि। लॉकडाउन रे धड़ा जहर कारबार अभिनव ढंग रे कारबार चलाइबाकु प्लान। जलेश्वर रे कुली बेसरे माफिया ब्राउन सुगार चालान रोकिबाकु उद्यम कलाबेले एसटीएफ हाथरे धरा पड़िछंती। एक घटना रे एसटीएफ 3 जणंकु गिरफ करथिबा बेले 2 कोटी रो ब्राउन सुगार जबत करछि। एसटीएफ क्राइम ब्रांच रो स्पेशल ड्राइव ऑपरेशन धड़ा जहर। धड़ा जहर होलसेल बेपारिंकु धरिबा पई एसटीएफ रो रेड कुली बेसरे हाथरे जरी बैग धरी ब्राउन सुगर बिक्री करने को योजना करते माफिया तेरे ठीक समय ग्राहक विषय होलसेल बेपारी को माड़ बसला एसटीएफ। जलेश्वर बजारे चढ़ाऊ कर 3 जन को गिरफ्त करने 2 कोटी टंकार 2 केजी ब्राउन सुगर जबत करछि एसटीएफ। 3 अभियुक्त हेले शेख सबजान वीरेन्द्रनाथ साहू और कमल लोचन दास। एमाने केबेठारु कारबार करते कहकु देछंती और एमान को ग्यांग लीडर किए खोलताड़ करछि एसटीएफ। और बाकी जिन हमारे जनता कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाना पड़ो अभी बहुत जिन हमने आप जाना नहीं पड़ो तो 3 लोग अरेस्ट होते हैं। ओडिशा रु गत 1 वर्ष रे 32 केजी ब्राउन सुगर और 66 क्विंटल गंजे जबत होई छि। एसटीएफ 100 जने व्यापारी को गिरफ्त करछि तथापि निशा कारबार उपरे लागुनी ब्रेक। एबे पर्यंत हमने 32 कोई के जी मिसाइल के पका पापी एसटीएफ कोई 32 के जी ब्राउन सुगर हमने सीज कर सके छि। 100 से बेसी ड्रग फंडर मैंने अरेस्ट हो छि और हमरो गांजा फंडर भी 66 क्विंटल हमने लास्ट के ड्राइव आरंभ हो छि। 66 लॉकडाउन राति रे धड़ा जोर थंता बारंबार स्पेशल टीम ऑपरेशन करथिले भी निशा कारबार मूल पाखरे पहुंची पानी। ई कारबार पछरे किए काहे की पहुंची पानी एसटीएफ तहा एबे बड़ प्रश्न। जलेश्वर गोपबंधु साहू सह भुवनेश्वर संतोष सिन्हा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। परवर्ती खबर चाषी घर बहु मोनाली साभद्रा ट्रक ठारु आरंभ करी ट्रैक्टर आउ बुलेट ठारु आरंभ करी घोड़ा फिटरे सवार करी राज्यवासी दृष्टि आकर्षण करथवा बेले मांकड़ मानक सेवा करी किछि वर्ष हला यूट्यूब रे राज करछंती। उभय मोनालिसा ओ स्वामी बद्री नारायण भद्रांकर वीडियो यूट्यूब रे अपलोड हेबा परे 76 कोटी दर्शकंकर पसंद पाल्टिछि। आसंतु देखिबा ई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जलघेर अंचल दे छुटी बुलेट कृषक घर बहु मोनालिसा एक मांकड़ को गाड़ी रे बसाई गंतव्य स्थल अभिमुखे बाहरी। मोनालिसा को निकट में मांकड़ोटी तार मांकड़ामी भूली मनीष शिशुटी एपरी पोल मानी बसी किछि बाट जिबारे सामना को आसी जाइथिबा मांकड़ पोल को बादाम खुआउछंती मोनालिसा। ए दृश्य को टिके भलकरी देखंतु
ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମୀଣ ଯାଜପୁରର ଗୃହିଣୀ ମୋନାଲିସାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କେତେ ନିବିଡ଼ ଆଉ ଗଭୀର, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଚହଲି ଉଠିବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ମା ଯେପରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, ଏଠି ସେପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ମାଙ୍କଡ଼ ବି ବୁଝିପାରିଛି ମାଆର ମମତା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିଧା ଆସି କଳରେ ହାଜର। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ ସିଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସେଇଠୁ ମୋ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓମାନ ତିଆରି କରି, ଆଉ ମୋତେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ କରିକି ମାନେ ସବୁ ଆମ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ଦେଶ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେରୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜହଳ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଘରର ବହୁ ମୋନାଲିସା ଏବେ ମହିଳା ଆଉ ନିଜକୁ ଘରକରଣରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖୁନି। ମୋ ବୋହୁ ଜଣେ ଭଲ ବୋହୁ, ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଦଶଚକିଆ ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବସ୍ ଚଳାଇବା ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ପାରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହିଥିଲେ, ଏଭଳି ବୋହୁ ଟିଭିରୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ବହୁତ ତାର ନକରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାପ ଦେଖୁଛି, ନକରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦଶଚକିଆ ଟଲର ବି ଚଲାଉଛି, ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛି, ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଉଛି, କାର୍ ବି ଚଲାଉଛି, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ବି ଚଢ଼ୁଛି। ବାହାର ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିଭିରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ମୋନାଲିସା ରାଜଧାନୀର ରାଜପଥରେ ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଚଲାଇ ନାରୀ ଯେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିଳିଥିଲା ଦର୍ଶକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ମୋନାଲିସା କହନ୍ତି, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମୋନାଲିସା କହନ୍ତି, ଭୟମୁକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାରୀ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ। ଆଗକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସବୁ ଘର ଧନ୍ଦା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଷୀ ଘରର ଏହି ବୋହୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମାଜ ସାରିଛି ଦେଶ ବିଦ୍ୟାର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।